हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग, एज वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा एक कॉमन टर्म है ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्यों, किस वजह से है। बहुत बार पेशेंट्स को एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम हाथ पैरों की है या फिर इट इज़ फ्रॉम ब्रेन। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही सब डिस्कस करूँगी कि प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई है, प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ है एंड फाइनली ये कहाँ एंड हो रही है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब पहले ही बच सकते हैं, या फिर अगर हमें ये प्रॉब्लम हो भी गई है तो हमें बहुत जल्दी से इसका ट्रीटमेंट, मतलब इसका रिहैबिलिटेशन, वेदर इट इज़ मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे और कब स्टार्ट करना है। नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट, सबसे पहले एक्चुअली में पैरालिसिस होता क्यों है। पैरालिसिस होने का मेन रीज़न है स्ट्रोक। अब कोई भी बीमारी होने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, मतलब हमें बीमारी क्यों है और किस वजह से है। तो पैरालिसिस का सबसे बड़ा एंड द मेन रीज़न इज स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक है क्या और स्ट्रोक के टाइप्स क्या हैं। स्ट्रोक इज़ बेसिकली जब भी हमारे ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रोक। नाउ इट इज़ पार्शली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली दोनों स्ट्रोक्स के। दोनों स्ट्रोक कहने को टाइप्स हैं स्ट्रोक के, लेकिन इन दोनों का प्रोटोकॉल एकदम डिफरेंट है, मेडिकेशंस एकदम डिफरेंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एकदम से डिफरेंट है एंड रिहैबिलिटेशन भी एकदम से डिफरेंट है। तो आपको ये जानना है कि एक्चुअली में आपको कौन से टाइप का स्ट्रोक हुआ है एंड उसका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रोक को हम आइडेंटिफाई कर कैसे सकते हैं एक्चुअली में बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा टाइप का स्ट्रोक आया है एंड उसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिले होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इस्कमिक स्ट्रोक। इस्कमिक स्ट्रोक में क्या होता है, इस्कमिक मतलब इकट्ठा हो जाना, थोड़ा सा रिलेट अगर हम करें तो इकट्ठा हो जाना। अब इकट्ठा क्या हो जाना, जब ब्रेन में हमारी ब्लड सप्लाई क्लॉट की वजह से रुक जाती है, दैट इज़ लाइक सपोज दिस इज़ आर वेसल। अब वेसल में सपोज दिस इज़ अ क्लॉट, अब क्लॉट हो चुका है जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई है वो आगे फर्दर नहीं जा पा रही है और हमारी ब्रेन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। अब हमारे ब्रेन सेल्स को जब ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल पा रही है तो वो अपना फंक्शनिंग कैसे करेगा, ब्रेन मॉनिटर कैसे करेगा, तो जिसकी वजह से हमारी ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती हैं। नाउ द थिंग इज, जो ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुके हैं हम उन्हें तो वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते। जो हमारे ब्रेन की आसपास की सेल्स है जो डैमेज नहीं हुई है हम उन्हें बचा सकते हैं, हम उन्हें वापस से उनका एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, ब्रेन को वापस से मॉनिटर करने के लिए, ब्रेन को वापस से उसकी फंक्शनिंग करवाने के लिए हमें कोई एक्शन बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके बाद तो उसके लिए जो जो भी हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अब हम बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। नाउ व्हाट एक्चुअली द हेमरेजिक स्ट्रोक इज, इस्केमिक स्ट्रोक में हमारी क्लॉटिंग हुई, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई इंटेंसिटी से ब्लड फ्लो होता है। और क्योंकि ब्लड फ्लो होने के बाद हमें एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता कि उसने हमारे ब्रेन का कितना पार्ट कवर किया है। ब्लड सप्लाई ऑल्टर हुई, ब्लड फ्लो हुआ, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में कितना पार्ट हमारा अफेक्ट हुआ है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हमारी प्रॉपर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होगी। अब इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि आप खुद से कोई भी रिहैबिलिटेशन, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यू डू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो कंसल्ट करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, ताकि वो टाइम से सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सके, सारे टेस्ट हमारे परफॉर्म हो सके एंड हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब बात करते हैं, अब देखो जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया वो क्या था, दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन। तो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं समझ आई होगी कि प्रॉब्लम हमारे हाथ पैरों की प्रॉब्लम नहीं है। हाथ पैर तो एक लाइक सेकेंडरी फंक्शन है जो हमारा ऑल्टर हुआ है, जो हमारा रुक गया है। रुका क्यों, क्योंकि ब्रेन इज़ द ओनली पार्ट। हमारे ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऑल्टर हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन कमांड नहीं दे पाता, एंड कमांड नहीं दे पाता तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की फर्दर मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। अब जब तक हमारा ब्रेन रिफ्लेक्स नहीं देगा हमारा हाथ नहीं मूव करेगा। अगर हमें कोई सामान उठाना है तो हमारे ब्रेन से पहले रिफ्लेक्सेस आएंगे, तभी तो हमारा हैंड मूव होगा। सेम विद द लेग, अगर हमारा ब्रेन ही कमांड नहीं देगा चलने के लिए तो हम कभी नहीं चल सकते। तो हमें यही चीज़ हमारे ब्रेन को वापस है, जो सेल्स डैमेज हो गई है उनको हम अपार्ट रखते हैं।
जो बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं हमें उन्हें उनका एक्शन अच्छे से परफॉर्म करवाना है, क्योंकि हमारी आधे सेल्स डैमेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी सेल्स हैं हम उनसे तो उनका फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं ना। तो हमें बाकी एक्टिविटीज़ जो भी है, वेदर इट इज़ वॉकिंग या कोई भी एक्सरसाइज हमें करनी है, फिर ब्रेन की कोई भी मूवमेंट्स हैं, बोलना है, उठना है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरालिसिस में अफेक्ट हो जाती हैं। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को विजिट करना है ताकि आपके इन्वेस्टिगेशंस अच्छे से हो सके, एंड जो भी आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो फॉलो अप हो सके, आपका रिहैबिलिटेशन फॉलो हो सके, एंड आपको एक्चुअली में पता हो कि प्रॉब्लम हमारे ब्रेन से स्टार्ट है। एट टाइम्स श्रेयास में पेशेंट्स विजिट करते हैं, वो पूछते हैं कि मैम क्लॉटिंग तो हमारे ब्रेन में हुई है तो हमारे हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे हैं और हमारी एक ही साइड की बॉडी क्यों पैरालाइज है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके ब्रेन के राइट साइड में क्लॉटिंग है तो आपकी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज्ड होती है, लेकिन अगर आपके लेफ्ट साइड में क्लॉट है तो आपकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होती है। ये सारे कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। कई बार पेशेंट्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं पैरालिसिस होना मतलब हाथ पैर की मूवमेंट चली जाना। हाँ, दैट इज़ ट्रू, हाथ पैर की मूवमेंट चली जाती है, लेकिन वो होते कहाँ से स्टार्ट है, उसका ओरिजिन क्या है, दैट इज़ आवर ब्रेन। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, वेदर इट इज़ अबाउट मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट, या फिर एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें आपको समझ आई हो। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग मेडिसिन या एक्सरसाइजेस आपको नहीं समझ आ रही है, या फिर आप किसी और डॉक्टर से पहले से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप उनका फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको कोई असर नहीं दिख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू डू विजिट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, वेदर इट इज़ अबाउट एनीथिंग, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, डाइट चार्ट, कुछ भी चीज़, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।